कुछ साल पहले जब हम हमारा प्रोग्राम मासूम का प्रोग्राम नाइट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तभी हमने ये ज़रूरी समझा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ नाइट स्कूल्स के बारे में, नाइट स्कूल्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस, नाइट स्कूल्स के बेस्ट प्रोग्राम्स, नाइट स्कूल्स के ए स्कूल्स, ए ग्रेड के जो स्कूल्स हैं या जो बहुत अच्छी तरह से नाइट स्कूल्स में जो चल रहा है उसके बारे में चर्चा हो, सिर्फ नाइट स्कूल्स के स्टेक होल्डर्स जो हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, उनके लिए खास कर ट्रेनिंग सेंटर हो। और इसके बारे में हमें बहुत लगा था कि ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था वो सीमित था स्कूल तक, और हम ये देख रहे थे कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली नाइट स्कूल्स के लिए ये उपलब्ध है, जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग्स होते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। और तभी लगा था कि ऐसा एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग्स हो सके और रिसोर्स लाइब्रेरी भी हो सके। हमने ये भी देखा था कि बहुत अच्छी चीज़ें ऑलरेडी नाइट स्कूल्स में चल रही है। हमारे हमारे जर्नी के दरमियान हमने देखा था कि ऑलरेडी स्कूल्स में जो डे स्कूल्स में हो रहा है वो नाइट स्कूल में हो रहा है। हमारे ऐसे भी स्कूल्स हैं, ऐसे भी हेडमास्टर्स हैं जो मॉडल हेडमास्टर्स बन सकते हैं, मॉडल स्कूल्स बन सकते हैं, और मॉडल स्कूल्स डे स्कूल्स के लिए बन सकते हैं। और तभी हमें लगा था कि ये सब डॉक्यूमेंट होने की बहुत ज़रूरी है एंड होना चाहिए। बट वो थॉट ही रह गया था एंड वो ड्रीम रह गया था। दो साल पहले हमने वो प्रपोजल बनाया एंड वी सबमिटेड टू सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने सबमिट किया। फाइनली वो सुनहरा मौका आया जब गोल्डन सैक्स ने पास किया प्रपोजल। कुछ ही महीने पहले इनका प्रपोजल पास, ग्रांट पास करने का हमें मैसेज मिला। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इनफैक्ट ये MNC है, जैसे सर ने बताया कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको बहुत कम पता है हमारे नाइट स्कूल्स के बारे में। तो जब उनको पता चला तो सिर्फ नाइट स्कूल्स के लिए, कॉज के लिए उनको बहुत अच्छी बात ये लगी कि दिन भर बच्चे काम करके फिर पढ़ने आते हैं। एंड तभी उन्होंने, इनफैक्ट जब मैंने यूना जो यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं बैठे थे, वो हांगकॉन्ग में रहते हैं, वहाँ पे जब हमारी पहली बात हुई तो उन्होंने बोला कि एनीबडी इज डिजर्विंग, इट इज़ द नाइट स्कूल स्टूडेंट्स, और हमें कर देंगे। तभी उन्होंने कहा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गोल्डमैन सैक्स फॉर मेकिंग आवर ड्रीम कम ट्रू। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज नाइट स्कूल्स के लिए स्पेशली, बिकॉज हमारी तरफ ध्यान देने वाले बहुत कम होते हैं। वी आर वेरी हैप्पी दैट यू टुक दिस फर्स्ट स्टेप। तो इस एकेडमी में बहुत ब्रीफ बताऊंगी कि इस एकेडमी में क्या होगा। इस एकेडमी में एक तो टूल किट है हमारा, जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं हर एक स्टेक होल्डर की, हेडमास्टर्स की, टीचर्स की, ट्रस्टीज की। तो इस ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो स्टैंडर्डाइज हो रहा है। फर्स्ट टाइम हमारे पास 3 साल का स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल बन रहा है, जो हम रेप्लिकेशन के लिए कहीं भी दे सकते हैं। और ये स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल है जो बहुत सारे एकेडमिशियंस ने ऑलरेडी वैलिडेट किया है। सो वी हैव अ स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल विच हैज बीन वैलिडेटेड बाय एकेडमिशियंस। और ये मॉड्यूल अभी हम किसी भी, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये इम्प्लीमेंट करना है तो हम उनको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होगी इस एकेडमी में, जो मास्टर ट्रेनर्स हम कहते हैं, अभी तक जो मासूम में ट्रेनिंग हो रहे थे वो हमारे खुद के रिसोर्स पर्सन के साथ हो रहे थे, बट फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू हैव अ पूल ऑफ रिसोर्स पर्सन जो इक्विप्ड होंगे ये ट्रेनिंग करने के लिए। एंड ये हमारे ही नाइट स्कूल से, कुछ डे स्कूल से गिने चुने होंगे, लेकिन वो इक्विप्ड होंगे जस्ट हमारे जो टूल किट है वो डिलीवर करने में। सो कुछ ऐसे रिसोर्स पर्सन होंगे जो स्पेशलाइज होंगे सिर्फ हेडमास्टर्स की ट्रेनिंग करने में, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ टीचर्स की करेंगे ट्रेनिंग, कुछ ऐसे होंगे जो ट्रस्टीज। सो इस तरह से जो ये पूल होगा वो वन ऑफ इट्स काइंड पूल होगा। फर्स्ट टाइम जो पूल ऑफ रिसोर्स पर्सन होगा वो शायद हमारा रेप्लीकेशन होगा, जो मॉडल हम बाहर के स्टेट्स में लेके जाना चाहते हैं उसके लिए ये टीम ऑफ पर्सन विल बी वेरी क्रूशियल। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा जो हो रहा है वो रिसोर्स लाइब्रेरी हो रहा है, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वीडियो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हमारे खुद के नाइट स्कूल में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जैसे असेंबली कहीं जगह अच्छी चल रही है, कई जगह CDP सेशंस अच्छे चल रहे हैं, कई जगह ग्रेड ए स्कूल्स है जो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो इस तरह का जो
केस स्टडीज है, जो सक्सेस स्टोरीज है नाइट स्कूल्स की, हम डॉक्यूमेंट करेंगे और ये ओपन रिसोर्स सेंटर बनेगा जहाँ पे एक्सेस होगा सभी नाइट स्कूल के टीचर्स को, हेडमास्टर्स को, एनी स्टेक होल्डर्स ऑफ नाइट स्कूल्स. इनफैक्ट वी विल लीव इट ओपन फॉर इवन डे स्कूल्स. वी बिलीव कि हमारे नाइट स्कूल में बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिस हैं जो चल रहे हैं. एंड आई एम श्योर ये मसाद, ये मॉडल बन जाएगा बाकी के स्कूल्स के लिए एज वेल. चौथी जो चीज़ है वो बहुत ही अहम है जो हम इस एकेडमी के अंतर्गत करना चाहते हैं, वो है रिसर्च ऑन नाइट स्कूल्स, नाइट स्कूलिंग सिस्टम्स इन द कंट्री. हम बोल रहे हैं कि हमें पता है महाराष्ट्र के बारे में, बहुत लंबी हिस्ट्री रही है नाइट स्कूल्स की, 160 years इन महाराष्ट्र itself. बट हमें पता नहीं है कि बाकी के स्टेट्स में क्या हो रहा है. अगर स्कूल्स है तो किस प्रकार के नाइट स्कूल्स है, क्या वो अच्छी तरह से चल रहे हैं, अगर वो चल रहे हैं तो क्या हम उनसे उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकते हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो नाइट स्कूल का मॉडल है क्या हम रेप्लिकेट कर सकते हैं. हमें फ़ोन कॉल्स तो बहुत आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, गुजरात से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आसाम से, कि वाई डोंट यू ऑल स्टार्ट नाइट स्कूल देयर, बट हमें नहीं पता है कि किस तरह से शुरू करना है. तो हमें लगा कि अगर ये रिसर्च हमारे पास होगा तो हम वेरी कॉन्फिडेंटली चाहते हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर तो दे सकते हैं कि ये है और हम बाकी के स्टेट्स में भी शुरू करना चाहते हैं. तो आई बिलीव दैट ये जो लीडरशिप एकेडमी के अंतर्गत ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही अहम है नाइट स्कूल्स के लिए, पर्टिकुलरली एट अ टाइम व्हेन बहुत ही डीमोटिवेशन है, खासकर संचमान्यता और ये जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से जो डीमोटिवेशन आ गया है उस टाइम पे. आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए प्रूव करने का कि नाइट स्कूल्स कुछ कम नहीं है. हमारे पास भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, हम दुनिया को दिखा सकते हैं. और अगर ऐसे लोग हमारे पीछे हैं, अगर हम हमारे सपोर्ट कर सकते हैं तो सिर्फ इंडिया में क्यों, हम बाहर भी जा सकते हैं ये मॉडल लेके. तो मुझे विश्वास है कि ये एकेडमी सक्सेसफुल होगा और मुझे विश्वास है कि आप सब हमारा साथ देंगे. अनटिल अनलेस आप सब हमारा साथ नहीं देंगे हम ये एकेडमी सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे. हमें केस स्टडीज लगेंगे, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके ही स्कूल से लगेंगे. सो हमें ये सब आपके स्कूल से लगेगा ना, मुझे बहुत विश्वास है कि आप सभी हमें मदद करेंगे. ये एकेडमी सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि दिस वर्क्स, बिकॉज़ अल्टीमेटली टू मेक इट सस्टेनेबल वी वांट टू टेल द गवर्नमेंट दैट ये आप हमें हमने सक्सेसफुल करके दिखाया है, आप अपने लार्ज स्केल पे आप शुरू करें. एंड दैट्स व्हाई हम ये बहुत छोटे पैमाने पे रख रहे हैं. अगर आप एकेडमी में आओ तो बहुत छोटा सा ऑफिस है, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग टू मच, बट एट द सेम टाइम जो एजुकेशनल मटीरियल है उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी. तो वो हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन स्पेस है वो कम है. हम सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखना चाहते हैं कि आगे जाके ये हमारे लिए इजी हो टू मेंटेन इट. एंड हम 3 साल तक तो हम इसको चला के सक्सेसफुली चला के ये दिखाना चाहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल. यू कैन हैव अ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर फॉर नाइट स्कूल्स, यू कैन डॉक्यूमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इट इज़ पॉसिबल. नाइट स्कूल्स इतने कॉन्फिडेंटली अगर कोई बोल सकता है कि टपका टपका नहीं नाइट स्कूल्स बंद करना, तो हम उतनी कॉन्फिडेंस से फिर बोल सकते हैं कि टपका टपका नहीं नाइट स्कूल्स हमें भारत का शुरू करना है. थैंक यू टू गोल्डन सन एंड थैंक यू टू डॉक्टर चंद्रकांत पुरी हु हैज टेकन द टाइम टू कम एंड अटेंड दिस. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए. थैंक यू.